हे गाइस, वेलकम टू सस्ता ब्लॉग। तो आज मैं दुर्गा पूजा देखने जा रहा हूँ, मतलब दुर्गा पूजा के मेला। एंड ये कोई नया पैंट शर्ट नहीं है, ये पुराना ही है, बट मैंने नहीं पहना था आज, पूरा बैग से निकल कर पहना तो एक अजीब किस्म का स्मेल आ रहा है। और मेरे साथ जाएगा ये भूत मेरे साथ जाएगा। तो आज बहुत गर्मी है, तो पहले पहले मैंने सोचा कि कहाँ घूमने जाऊँगा इतना गर्मी में, लेकिन बाद में सोचा कि थोड़ा घूम के भी आते हैं, घर पे बैठ के क्या करूँगा। और साथ में मुझे एक पिस्तौल भी खरीदना है, क्योंकि मेरा पुराना वाला टूट गया। आई नो मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खरीदना है, क्योंकि शौक का कोई उम्र नहीं होता। तो लेट्स गो। तो हमारे इस रास्ते पे लाइट वाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है। मैंने अपना फ्रंट कैमरा के फ्लैश लाइट चालू किया। तो पास में ही पूजा हो रहा है, हम चल के जाएंगे। तो हम पहुंच गए, लोगों का ज़्यादा भीड़ है नहीं। ये रहा कुछ बैलून्स, वैसे ज़्यादा दुकान भी नहीं है। पहले वो पीछे दुकान बैठा करता था, लेकिन आजकल नहीं बैठता। और ये रहा पेंडल, लेकिन लोग बहुत सारे कचरा फेंक के रखे हैं ज़मीन पर, बहुत गंदा करके रखे हैं जगह को। और ये रहा दुर्गा माता की मूर्ति। माँ दुर्गा रघुमने उल्लासे आलिंगने। ये पेंडल इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये विलेज एरिया है और साथ में कोविड का रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो पूजा पेंडल से बाहर आने के बाद अब हम मेले पर घूम रहे हैं। मेला भी कोई इतना बड़ा मेला नहीं है, छोटा मोटा मेला है। और इस दुकान पर मेरा दीदी कुछ अपने जरूरतमंद चीजें देख रहे हैं। तो उसने अपने कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें खरीद लिए, लेकिन मुझे तो अपने लिए पिस्तौल खरीदने हैं। और इस दुकान पे मुझे एक पिस्तौल मिल गया, लेकिन ये भाई साहब हमसे 70 रुपीज़ मांग रहे इस पिस्तौल के लिए। छोटा सा पिस्तौल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ये मेरे हाथ पर है, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके इसको 40 में लाने की बात की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। 40 तो वो फाइनली 50 रुपीज़ पे आके रुक गया, लेकिन हमने बोला हम 40 रुपीज़ ही देंगे, उसने बोला कि नहीं होगा, तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद हम पास के एक दुकान में आ गए और फाइनली यहाँ हमें 40 रुपीज़ में एक पिस्तौल मिल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग गोलियां अलग से बेचते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा हो। सिर्फ ये दुकान नहीं, हमने 2-3 और दुकानदारों को पूछा गोलियों के बारे में, उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि वो लोग गोलियां अलग से बेचते हैं। तो दीदी ने आज मुझे गोलियां खरीद के नहीं दिया। और यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे कार से मन तो कहते सभी खरीद लूँ, लेकिन अपने शौक को काबू में रखना होगा, कंट्रोल। और यहाँ पर एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, कुछ लोग अंदर बैठ के खा भी रहे हैं। और ये एक मीठापन की दुकान है, दीदी ने 2 मीठापन खरीदा, एक मम्मी के लिए और एक हमारे घर की मेड के लिए। और ये रहा एक जलेबी का दुकान। दुर्गा पूजा हो और जलेबी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बट हमने यहाँ से जलेबी नहीं खरीदा। और ये रहा एक चूड़िया पुड़िया की दुकान, मेरे दीदी कुछ अपने लिए देख रहे हैं। मैं तो बस मस्त एकदम फीडो निकलने में व्यस्त था, और मुझे कोई इन सब से लेना देना भी है नहीं, मुझे अपना सिर्फ पिस्तौल मिल गया, मैं खुश। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे एक वॉलेट चाहिए, क्योंकि मेरा पुराना वाला वॉलेट वो फट चुका था। तो मैं इस दुकान पे आ गया, और यहाँ पे सिर्फ वॉलेट ही नहीं बल्कि सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स या फिर तरह तरह के कैप्स भी मिलता है, वैसे मस्त डिज़ाइन है। और ये रहा मोटू पतलू वाले कैप, लेकिन मुझे टोपी नहीं खरीदना था, मुझे खरीदना था एक वॉलेट, और मैंने खरीद ली, 60 रुपीज़ लिया। और बाद में घर आने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझे वो दुकानदार ने ठगा। तो मेरा दीदी अब पुचका ठूस रहा है, गर्ल्स एंड पुचका एंड अनटोल्ड लव स्टोरी। आई नो लेम जोक, एनीवेज तो मैंने नहीं खाया, मैं उसकी पास ही खड़ा था और उसकी वीडियोस निकल रहा था, वैसे मस्त मस्त क्लिप मिला मुझे। वैसे पानी पूरी टेस्टी तो होता है, लेकिन मुझे आजकल इतना खाना पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। और आई थिंक मैंने पिछले 2.5 ईयर्स से मैंने पुचका नहीं खाया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो इसने पुचका खाया। पहले क्या होता था कि जब मैं पानी पूरी पुचका भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, गोलगप्पे, पुचका, पानी पूरी, सब कुछ। पहले क्या होता था कि मैं पुचका के पीछे आता, पानी पूरी के पीछे मैं पागल था। तो जब मैं खाता था ये मुझे इंसल्ट करता था कि क्या इतना गंदा चीज़ खाता है, लेकिन आज इसने खुद खाया तो अभी मैं इसका आज बहुत हाइजीनिक तरीके से रखा हुआ था। अच्छा अच्छा ऐसा क्या?
तो इसका और खाने का मन था, तो मुझे बोला कि वापस चलते हैं। तो मैंने शर्त रखा कि अगर जाना होगा तो मुझे पिस्तौल के लिए मुझे गोली खरीद के देना होगा। तो यह है मेरा शर्त, देगा क्या, खरीद के देगा मुझे? देंगे कल। तो अभी हम हमारे बाजार की पूजा देखने जा रहे हैं, तो हम सीधा जाएंगे, सीधा जाके इस तरफ, थोड़ा दूर है लेकिन हम जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। तो हम पहुंच गए और यहाँ पर थोड़ी देर में खेल शुरू होगा। फिलहाल तो लोग नहीं आए, लेकिन खेल जब शुरू होगा तब लोग आएंगे और मैं और दीदी इन खेलों पर हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल आरती शुरू हो गया और अंकल के बाद एक्चुअल में आरती का कंपटीशन शुरू होगा और अंकल इस आरती कंपटीशन का जज होगा। तो आरती कंपटीशन शुरू हो गया और यहाँ पर मैं और मेरी दीदी ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम दोनों को नहीं आता। तो आरती कंपटीशन खत्म हो गया और अब शुरू हुआ है जलेबी खाने का कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में जो सबसे कम समय में लटकता हुआ जलेबी खाएगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। और फिलहाल मेरा ये कजिन सिस्टर है और ये जलेबी खाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन और ये पकड़ लिया उसने अपने मुंह से और थोड़ा खा लिया और बाकी हिस्सा खाना बाकी है, पूरा खाना पड़ेगा, मतलब पूरा जो पूरा खाएगा वही जीतेगा, वो भी कम समय में खाना पड़ेगा। तो उसका आधा जलेबी ऊपर रह गया, कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत ऊँचा है, और उसने जंप भी किया लेकिन फेल्ड, और एट लास्ट किसी तरह वो अपना बचा हुआ हिस्सा खा लिया। और अब बारी है मेरे दीदी की और उसके समय अब शुरू हो गया। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, लेकिन जलेबी मुँह पे नहीं आ रहा और ये फाइनली जलेबी मुँह पे आ गया, पूरा जलेबी एक साथ मुँह के अंदर। पूरा जलेबी मुँह के अंदर आ गया, लेकिन आप उसको जलेबी को खींच कर रस्सी से अलग करना था लेकिन वो जलेबी को वही चबा रहा। एंड एट लास्ट शी डिड इट। और आप मेरी बारी, मैं वहाँ पर तो गया लेकिन मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था, लिटरली मैं कांप रहा था और मेरा अभी हाथ बांधा जा रहा है ताकि मैं हाथों से जलेबी को ना छू, सिर्फ मुँह से ही खाने की कोशिश करूँ। और यहाँ मेरा समय शुरू हो गया, मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जलेबी मेरे मुंह पे आ जाए और ये आ गया और मैंने कुछ ही समय में जलेबी को पूरा रस्सी से अलग कर दिया। जलेबी खाने के कंपटीशन में गांव के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आप है प्राइस देने की बारी और पहला प्राइस इस बंदे को मिला। और मुझे सेकंड प्राइस मिला। तो आज का कार्यक्रम खत्म हो गया और मुझे सेकंड प्राइस मिला और मेरे मतलब जिसको फर्स्ट प्राइस मिला उसका और मेरा टाइम का डिफरेंस सिर्फ एक सेकंड था, ओनली वन सेकंड, और उसके वजह से मुझे सेकंड प्राइस ये मिला, दिया, इस पर हम दिया जला सकते हैं। और कल भी बहुत सारे खेल होंगे, कल भी जाएंगे हम। और ये रहा मेरा पिस्तौल, ठ्यों लेट्स अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। तो इसके गोलियां हम कल खरीदेंगे। तो ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, अगर आप लोगों को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दुर्गा पूजा, कल भी जाएंगे और इनाम जीतने की कोशिश करेंगे, बाय बाय एंड गुड नाइट।